अस्सलामुअलैकुम हेलो यूम। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ शादी में जाने के लिए। और ये देखिए मैंने पहना था ब्लू कलर का ये गाउन जिस पे जरी का बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा वर्क था। और हम पहुँच गए थे मैरिज हॉल और यहाँ पर बारात आ चुकी थी। तो वेलकम के लिए सभी सिस्टर्स यहाँ पर खड़ी हुई थी और ये देखिए काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ की हुई थी, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी वेलकम की और काफ़ी अच्छे से सब भी रेडी हुए थे। जितनी भी कज़िन सिस्टर्स थी, ब्रदर थे और सब भी बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। बट रात में थोड़ी ठंड पड़ गई थी और इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई थी, ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि हम आ गए थे और फंक्शन वैसे भी नाइट का था तो काफ़ी लेट तक चलता है, तो इसलिए हम जल्दी ही आ गए थे। और अभी हम वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी और बारात आ गई थी तो बुके वगैरह लेकर भी सभी खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और एक बारात आ गई है, थोड़ी देर बाद दूसरी बारात भी आ गई थी। और मेरी सिस्टर्स जो थी और काफ़ी टाइम लग गया था उनको पार्लर में क्योंकि वो लेट हो गई थी घर से ही, तो इसलिए और स्पेशल डे है तो थोड़ा टाइम तो बनता है। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, एकदम फेरी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह। और यहाँ से इनकी एंट्री हुई थी, यहाँ से थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और इन्जॉय कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा।
बाद हमें लगने लगी थी भूख, तो आई एम गोलगप्पा लवर, अब सभी को पता है। और यहाँ पर गोलगप्पा, दही, बल्ले, टिक्की वगैरह, चाउमीन वगैरह ये सभी थी। बट और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सबसे ज़्यादा यहीं पर भीड़ थी। फाइनली मुझे दो गोलगप्पे मिल गए थे। उसके बाद में हम आ गए थे दहेज देखने के लिए। यहाँ पर दहेज वगैरह लगाया हुआ था, तो हम यहीं पर आ गए थे। थोड़ी सी वीडियो भी मैंने शूट की है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा सामान था सभी। उसके बाद यहाँ पर निकाह होने लगा था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इमोशनल मोमेंट होता है हर लड़की के लिए। और यहाँ पर एक सिस्टर का हो चुका था निकाह, और ये दूसरी वाली सिस्टर का भी हो रहा था। और ये देखें निकाह होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा था, फ़ोटो वगैरह शूट हो रहा था यहाँ पर, इनका वीडियो वगैरह शूट हो रही थी जो इनके ससुराल वालों की साइड से भी थी, और इनकी साइड से भी, दोनों साइड से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो रही थी। और बहुत ज़्यादा ये दोनों प्यारी लग रही थी, ये देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। और जितना इन्होंने सोचा हो खुदा उससे भी ज़्यादा इन्हें खुशियाँ नसीब करे, आमीन। आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।